हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संदीप सिंह। आज मैं आपके लिए ऑर्थोग्राफी एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिस तरीके से आपको दिख रहा है ये फ्रंट, इधर से देखना है हमने, तो ये हमें कौन सा साइड भी दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है, उधर लेफ्ट हैंड साइड भी। तो आप क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं आज। हम फर्स्ट एंगल में तो फ्रंट क्या होता है, फ्रंट के नीचे हमारा टॉप बनता है और राइट हैंड साइड भी हमारा कहाँ बनेगा, लेफ्ट में बनेगा फ्रंट के, ठीक है। तो ये फ्रंट है हमारा, फ्रंट बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सबसे पहले फेस यही दिखेगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल हाइट है। अब हाइट तो आपको यहाँ पर नहीं दी है, तो कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो ये 15 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है, फिर ये 20 दिया हुआ है। 15 और 20 कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया 50। तो ये कितनी हो गई आपकी, 50। आपको एक बार लिख भी सकते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 50, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये कितना है आपका, ये भी 50 है। फिर ऊपर कितना गया है, ये गया है आपका 15, ठीक है। फिर ये वापस कितना गया है, ये आपको इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें ये कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, 40 और ये 25 और ये 15। तो आपको क्या करना, उल्टा काम चालू कर देना है। कितना उल्टे, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 15 है, 15 में से 10 गए 5, तो ये आपके 5। नीचे कितना गया है, 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, टोटल टोटल ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 ही है। तो यहाँ से 5 तो हमने पहले लिया हुआ है, अब 10 और ले लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद ये हाइट कितनी है, देखिए टोटल हाइट 50 थी, 15 हमने यहाँ ले लिया, तब बाकी कितनी बची होगी, और 15 ये है, 15 और 15 30, तो बाकी कितनी बची है हमारे पास, 20। ये काम कर सकते हैं आप, सीधा आपको इसके सामने तक खींचनी है बस आपको, क्योंकि हमने ऊपर से ही बढ़ा, नीचे से ही बढ़ा लिया और ऊपर से ही बढ़ा लिया, और ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये वाला फेस तो क्लियर है, तो ये तो हमारा बन चुका है, इसे मैं छायांकित कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें कौन कौन सा फेस और दिखेंगे, एक तो ये वाला फेस दिखेगा, ये कितने कितने का है, 10 बाई 15 का। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10, और गहराई तो हमने उस टाइम 15 ली ही थी, तो ये आपका 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला फेस कितने बाई कितने का है, ये 25 बाई 15 का है। तो आपको बस ये कहाँ, इस कॉर्नर में आना है ये, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 15 और आगे कितना गया, 25, तो ये यहाँ से तक 25, और इसके बाद ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला फेस भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लेते रहना है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको मेन चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये इतना ही खांचा बना हुआ है, ये भी तो फेस दिखेगा आपको, ये कितना है, देखिए 40 की दूरी इस वाले ब्लॉक से दी हुई है, मतलब यहाँ से दी हुई है। तो यहाँ से आपका खींचेगा 40 की लाइन खींचोगे, 40, तो ये बाकी आपके टोटल लेंथ आ जाएगी। तो 40 में से यहाँ से खींचनी है आपको ये 40, तो ऑटोमेटिक आपकी ये डिस्टेंस खुद आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये नीचे लाकर आप इसे बंद कर दोगे इस तरीके से, ये आपका ये वाला फेस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपके ऑलमोस्ट क्या हो गया, हमारे सारे के सारे फेसेस कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे फ्रंट से दिखने थे। अब हमें क्या करना है, टॉप से करने देखने के लिए हमें प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ से और ये जो कितने टोटल हो गई, 15 और 25 40 और 40 80, ठीक है। तो टोटल लंबाई हमारी इसकी कितनी आ गई, 80। आप ऐसे भी कैलकुलेट करके ये वाले डिस्टेंस निकाल सकते थे कि 80 में से 50 गया 30, तो ये आपका 30 भी निकल सकता था, क्योंकि लंबाई टोटल कितनी है, और इसमें से ये माइनस कर देते तो 15 और 25 40 और 40 80। तो ये हमारी, अब जब आप टॉप से देखोगे तो ये फेस और ये एज एक दूसरे के सामने है, तो अब ये इसकी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी,
ठीक है। इसके बाद ये वाला लाइन आए दिखेगी 50, फिर इसके बाद ये वाला, ये कितना था 5, क्योंकि 15 में से 10 गए 5। फिर ये अब अंदर कितना गया है, ये अंदर इसमें दिया हुआ है 25। अब फिर ये कितना है 10, ठीक है। और फिर लास्ट पे जाके ये वापस उसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला फेस कंप्लीट हो गया, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। अब आपको कौन सा फेस बनाना है, ये वाला फेस बनाना है, ये बी मान लेते हैं इसे। तो ये बस क्या है आपका, बस इसका जो ये पूरा ये वाला भाग बचा हुआ है, ये एक रेक्टेंगल बनना था, तो इसमें से कॉर्नर बचा हुआ है ये जो, तो ये आपका जो बचा हुआ है इसको बस क्लोज कर दीजिए आप, तो ऑटोमेटिक आपका ये बन जाएगा। अब इसके बाद का बनाना है आपको ये वाला फेस, ये वाला फेस कितना है 25 बाई 35 का, तो नॉर्मली बन जाएगा आपका, यहाँ से 25 जाएगा, ठीक है, और आगे कितना जाएगा 35 तक जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको कौन सा फेसेस देखना है, ये वाला फेस, तो ये सी हो गया और ये डी हो चुका है। तो ये वाला फेस ये ऐसे जाएगा, ये कितना गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको मेंशन नहीं है पर आप निकाल सकते हैं। देखो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, ये हमने यहाँ से तक 15 चला दिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 15 लाइन हम खींच चुके हैं, तो बाकी कितना बचा होगा, 50 में से 15 गए 35। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 35 तक खींचने लाइन, फिर ये अंदर कितना गया 25, ठीक है, और वापस ये बंद हो जाएगा इस तरीके से, और ये लास्ट में ये वाली। आपको एजेस पकड़नी है, एजेस पकड़ना आपको आ गया है, तो इससे सारा डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं डायमेंशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप इसे बार बार देखते रहें, ठीक है। एक बार कोशिश फिर से देख लीजिए, ये एजेस कौन सी है, ये वाली, ठीक, और ये वाली एजेस कितनी है, ये वाली। टोटल आपकी चौड़ाई कितनी है 50, जब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 25, तो ऑटोमेटिक ये वाली भी आपकी 25 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है 50, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है ये 50, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको 50 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 25, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है आपको 10, और इसके लंबाई चौड़ाई कितनी दी हुई है, जो ये ऊपर से सी वाला फेस दिखेगा हमें, ये वाला 25 बाई 35 के, ये वाला फेस कहाँ पर है, यहाँ पर है 25 बाई 35, ठीक है। इस तरीके सारे ब्लॉक बन जाएंगे, परंतु तो आपको एजेस पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, साइड व्यू बनाना है इसका। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए करना पड़ेगा आपको, राइट वाला है तो राइट की लेफ्ट की तरफ बनाना है आपको, इसके बाद हम साइड व्यू बनाना। देखने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए साइड व्यू ये दिख रहा है इधर से, तो कौन कौन से फेस दिख रहे हैं, एक नंबर वाला, दो नंबर वाला, इसकी और इसकी एजेस क्या होंगी, एकदम एक दूसरे की सीध में होंगी ये। चलो पहले हाइट ले लेते हैं, ये 15, ये 15 और ये 20, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 15 और 15 30 और 20 50, तो हमने उस टाइम 50 ही खींची थी ये वाली, कि जो फ्रंट की जो क्या होती है हाइट होती है, वही साइड की हाइट में दिखते, साइड की हाइट में भी हो, ठीक है। कोई चेंज हाइट कभी चेंज नहीं हो सकती, ना ही लंबाई चौड़ाई कभी चेंज होगी, ठीक है। बस ये चीज़ें होती हैं कि फ्रंट से देखने पर आपको क्या नहीं दिखेगा, फ्रंट से जब आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई नहीं दिखेगी, थोड़ी लंबाई नहीं दिखेगी इधर से देखने पर, ये वाली, ठीक है, जब आप इधर से देखोगे, और टॉप से जब देखोगे तो हाइट कभी नहीं दिखती। तो ये थोड़ी टर्म्स होते हैं जो आपको पहचानना चाहिए। तो आपको इसकी इसकी और ये वाली कितनी होगी टोटल मिलकर, ना 50, ठीक है, 15 15 30 50, ठीक है। अब आपको कौन सी एजेस खींचनी है, एक तो ये वाला ब्लॉक खींचना है, ये कितने का है, इसकी और इसकी एजेस पूरी आ जाएगी आपको कितनी, 25 और 25 50, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी 15, लास्ट में आके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो दो फेस हैं, तो दो फेस के लिए ये यहाँ से तक कितना होगा 25, क्योंकि ये 25 यहाँ पर है तो ये भी 25 ही होगा, टोटल 50 है ना,
तो ये बीच में आ जाएगा कट, तो दो फेस बन चुके हैं। अभी इस वाले इधर की तरफ क्या रखा है, थोड़ा राइट हैंड की तरफ क्या रखा हुआ है, एक फेस हो रखा है, कितने भाई 35 का और 15 भाई, तो 15 हाइट हो गया है इसकी और 35 लंबाई हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमें कौन सा फेस दिख रहा है, ये वाला फेसिस, तो ये कितना फेसिस है आपका 20, ये आपको कितना दे रहा है 20, तो ये बाकी जो बचा हुआ है ऑटोमेटिक ये 20 ही आ गया होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गया होगा, ये हमने ये पहले भी निकाल चुके हैं वैसे, टोटल 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 ही होगा जी, 25, फिर नीचे कितना गया है 15, और फिर ये जितना बचा है आगे तक जाएगा, आगे कितना होगा 25 ही होगा। ठीक है, और लास्ट में जाकर ये इसी पॉइंट पे बिल्कुल इसके जस्ट के जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाला फेस, अब बचा हुआ जो फेस है ये इसके एक कॉर्नर बन रहा है, ये कॉर्नर वाले को पता है आपको क्लोज करना पड़ता है, क्लोज कर दीजिए इसे, तो आपका ये वाला फेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक नंबर, दो नंबर, और ये तीन नंबर, और ये चार, और ये पाँच, ये फेसेस आपका दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका कौन सा साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू टॉप, और ये फ्रंट। ठीक है, इस तरीके से आप सारे के सारे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको फेस पकड़ने आ गया, तो फेस आपको पहचान में आ गए कि कौन कौन से फेस आपको दिख रहे हैं फ्रंट साइड व्यू से, आप नॉर्मली आप बना सकते हैं। आपको फेस बनाने के लिए आपको एजेस पकड़नी है बस आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे जो नए वीडियो आते रहें आपको एकदम से डायरेक्टली मिल जाए। थैंक यू।